कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? 15-20 मिनट। 15-20 मिनट? हाँ यार, ये MP3 बंद ही कर दो। क्यों? मैं व्लॉग करूंगा ना शुरू। अभी व्लॉग करेगा? हाँ अभी से करूंगा। पावर हाउस पे ट्रैफिक ज़्यादा जाम होती है ना। पावर हाउस और नाकन चौराहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं और अल्ताफ भाई जा रहे हैं असद के पास, आज डिनर की दावत है कोयला कढ़ाई की। तो नागन से हम लोग निकल चुके हैं गाड़ी के अंदर ही, अल्ताफ भाई कर रहे हैं ड्राइव और मैं कर रहा हूँ साथ साथ व्लॉगिंग। तो अजमेर नगरी का रोड है, यहाँ से करीब पड़ता है कटी पहाड़ी के एरिए में जाना है, और अगर हम लोग नॉर्थ नाजमाबाद से जाते तो वहाँ से दूर पड़ता है, और वहाँ इस टाइम ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा जाम होती है। संडे का दिन है, संडे के दिन अमूमन ज़्यादातर रात में ट्रैफिक जाम होती है। देखो कोयला कढ़ाई खिलाता है या कुछ और है ना? हाँ कोयला कढ़ाई फ्राई पुलाव के लिए अच्छा है, कोयला कढ़ाई तो नहीं हो सकता, दाल फ्राई मिले हमें। कितने किलोमीटर सफ़र होगा यहाँ से? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर सफ़र है कटी पहाड़ी का एरिया जहाँ जा रहे हैं अभी। तो अभी हम लोग निकल के आए हैं नागन चुरंगी से बिल्कुल अंदर। ये कौन सा रोड है? अजमेर नगरी वाला रोड से अंदर जा रहे हैं, और यहाँ से करीब पड़ेगा कटी पहाड़ी का एरिया, शॉर्टकट। तो और इस रोड पे ट्रैफिक इतनी नहीं होती, अगर उस तरफ से जाओ सरीना की तरफ से या नॉर्थ नाजमाबाद की तरफ से तो वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है और काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता है ना। बिल्कुल। इस वाले रोड से हम लोग आए हैं अजमेर नगरी से, और यहाँ देखे ट्रैफिक इतनी नहीं है। कितना टाइम हो गया ड्राइव करते हुए? टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन अभी काफ़ी टाइम बाद दोबारा ड्राइव शुरू करी। अच्छा, बीच में जो है ना 4-5 साल से नहीं हो रही हमारी ड्राइव। तो ज़्यादातर कराची में बिरयानी वगैरह और फास्ट फूड वगैरह रात में चलते हैं ना? बारबेक्यू का आइटम कराची में रात के टाइम बहुत ज़्यादा चलता है। अच्छा, बिरयानी दोपहर में ज़्यादा चलती है। अच्छा, मोबाइल की टॉर्च जलाई हुई ताकि अंदर का जो व्यू है लाइट का वो सही हो जाए। कटी पहाड़ी पे हम लोग पहुंच गए हैं, तो असद खड़ा हुआ बाहर रोड पे, असद से मिलेंगे अभी। हाँ भाई, ब्लॉग चल रहा है, ब्लॉग। गाड़ी पार्क कर दी और ये वाला रेस्टोरेंट है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, असद से मुलाकात हो गई, और ये वाला माशाल्लाह होटल है। सेकंड फ्लोर पे बैठ रहे हैं हम लोग, होटल पे हम लोग आ गए हैं, और ये लगा हुआ है टेबल और ये मेन्यू पड़ा हुआ है। असद क्या मंगवाना है आप बताएं, क्या मंगवाना है? तुमने मंगा लो जो भी है, थोड़ी सी बिरयानी मंगा लेने एक प्लेट। अच्छा, चिकन कढ़ाई मंगवा लेते हैं ना? हाँ, चिकन कढ़ाई और उसके साथ बिरयानी वगैरह है ना। हाँ। तो ये मेन्यू है, ये देखें, चिकन टिक्का और चिकन कढ़ाई सही है, और साथ में बिरयानी सही है, नॉर्मल मसाले के है ना। चलो बैठो, कितना खूबसूरत होटल है, न्यू बना है ना? हाँ, न्यू बना। बीफ कढ़ाई मंगवा लेते हैं? बीफ नहीं, चिकन कढ़ाई मंगवाओ और एक चिकन बिरयानी मंगवा लो, बहुत है। हाँ, इस तरह से मंगवाओ। नॉर्मल मसाले के एक चिकन बिरयानी और एक कढ़ाई ले आओ, आधा किलो बहुत है कढ़ाई। हाँ, आधा किलो बहुत है। साथ में रोटी करवाने या चपाती? चपाती भी ले आना 2-3, और रोटी भी ले आना। रायता सलाद करवा? रायता सलाद, रायता सलाद भी। हाँ ले आए। कितना टाइम लगेगा? कम 20-25 मिनट लगेंगे। ठीक है, बिरयानी पहले भी जो है स्टार्टर में? नहीं नहीं, एक साथ ही लाना, एक साथ ही लेके आना। शुक्रिया बहुत बहुत। असद के पास मैं और अल्ताफ भाई आए हैं डिनर के लिए, और असद ने करी है हमारी स्पेशल दावत कोयला कढ़ाई की, और साथ में होगी चिकन बिरयानी। असद ने ऑर्डर दे दिया है, और अभी वेटर थोड़ी देर में लेके आता ही होगा। 9:45 बजे का टाइम है रात का, और संडे का दिन है। अगर मैं व्यू दिखाऊँ तो देखें, बहुत प्यारा होटल बना हुआ है, सेकंड फ्लोर पे है, नीचे भी है लेकिन ऊपर सेकंड फ्लोर पे बहुत अच्छा बाहर का व्यू भी है और नज़ारा भी है। इस तरफ सारा रोड है। रायता आ गया भाई, सलाद नहीं क्या भाई? हाँ सलाद, सलाद बोली हुई है। हाँ, चार चार कुर्सियों के 2 टेबल लगे हुए हैं, और जैसे रश हो तो फिर और भी टेबल लगा देते हैं। और इस तरफ 3 तख्त लगे हुए हैं, एक वो रहा और एक ये रहा और एक इस तरफ है। दूसरी कढ़ाई नहीं आई अभी तक? हाँ, ले ले। लो जी, 2 चीज़ें आ चुकी हैं, रायता और सलाद। सलाद में क्या क्या है सर, दिखा ज़रा। सलाद में प्याज है, खीरा है, नींबू है, चुकंदर है। अच्छा, गाजर है। प्याज तो नीचे है ना? नीचे है। वेटर कह रहा था कि ऑर्डर तैयार है, अभी आया नहीं। बस आज ये बस आने वाला है, कदम पे आने वाला है, बस आ रहा है, नीचे से लेके आ रहा है वो। लो जी, ऑर्डर आ गया हमारा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
ये है चिकन कढ़ाई और इसके साथ चपाती और रोटी। असद इसके अलावा क्या बोला था? बिरयानी बोली थी। बिरयानी बोली अभी? बिरयानी बोली थी, आ रही है। तो वो भी आ जाएगी अभी। बिरयानी भी आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर हमारा आ चुका है। तो ये रही चिकन कढ़ाई और इसी के साथ बिरयानी है और रोटी है और चपाती है और ये सलाद आ गई है। तो खा के देखते हैं कैसा जायका है यहाँ का। वैसे तो बहुत सारी जगहों की खाई हुई है और टोटली ये कोयले से बनी हुई है। ज़बरदस्त माशाल्लाह, काफ़ी टेस्टी है। माशाल्लाह भाई टेस्टी, सॉलिड सही बनी हुई, ज़बरदस्त। तो आप कढ़ाई नहीं खाओगे? कढ़ाई बिरयानी एक टिकट में डबल मज़ा। पहले आया हुआ खाने के लिए? मैं फर्स्ट टाइम ऊपर आया हूँ, सेकंड टाइम में घर लेके गया। अच्छा ज़बरदस्त यार, जायका अच्छा है। मैंने खा के देखी, मज़ा आया भाई, ज़बरदस्त है ना। माशाल्लाह जायका अच्छा, जायका अच्छा। और खाना खा चुके हैं अभी, चाय का ऑर्डर दिया हुआ है ना? जी चाय का ऑर्डर, नहीं नहीं चाय का भी ऑर्डर दिया हुआ, एक रोटी का भी ऑर्डर दिया हुआ, बाकी है कढ़ाई। कढ़ाई तो बाकी अभी बाकी, मैं तो फुल हो गया हूँ भाई, मैं नहीं और खाऊंगा। ओ भाई क्या फुल हो गया, आप ही करो, आप ही खाओ। मैं फुल हो गया, मैंने बिरयानी खाई, आप लोगों ने खाई भी नहीं थी इतनी सी वो खाने की, इतनी सी बिरयानी थी वो। खैर खाना मैं और असद खा चुके हैं, अल्ताफ भाई खाएंगे अभी, थोड़ा सा सालन पड़ा हुआ है। स्वाद आया, स्वाद स्वाद है। चाय का ऑर्डर दिया हुआ, तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह चाय आ जाएगी। फुल चाय नहीं, कट कट। उसने बोल दी चाय, दो दूध पत्ती बोलो, एक मना करा। तीन बोली है इसने, दूध पत्ती कड़क कट बोली हुई, तीन तीन बोली हुई लगता है। फुल लेकर कट नहीं लगेगा मुझे, ऐसा लगता है कि कट नहीं फुल आएगा वो। अच्छा चलो जो भी आ जाएगा ना, वो तो वापसी कर देंगे। बन्नी भी वापसी क्यों, ज्यादती करोगे? नहीं के बाद वापस करेगा वो, किसी और को पिला देगा वो। वो क्या वो फ्रेश फैट है बेचने वाला क्या? अरे सब चलता है कराची में। अच्छा लो सर तीन चाय आ गई, कट है फुल थोड़ी है। ये लो भाई असद, सारे पी लेगा अभी। चाय भी अच्छी है यार, कड़क चाय है ना, कड़क चाय भी है। अल्ताफ भाई बताएंगे सही, स्वाद आ गया भाई हैं। मैं भी अब पी के देखता हूँ कैसी है चाय भी, माशाल्लाह अच्छी बनी हुई है। चाय ने मज़ा दोबारा कर लिया। कितना बिल है? 1170। अच्छा दो ऊपर के दो दो 30। शुक्रिया बहुत बहुत। खाना खा के हम लोग आ चुके हैं, तो अभी जा रहे हैं हम लोग घर। तो असद साथ ही है, असद गाड़ी तक आ रहे हैं। तो आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। असद असद खोल रहा है गाड़ी का लॉक। असद साथ जाएगा, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। अच्छा आ जाओ बैठने दो, रात हो रही है, लेट नाइट बैठो आप। चल ठीक है असद, बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, ठीक है? चलो सही है, अल्लाह हाफिज़।